हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को डी से देख रहे हैं। गिवन ये इक्वेशन दी है, उसका डेल्टा ए फॉर्मेशन दिया गया है, H2O का डेल्टा ए फॉर्मेशन दिया गया है, फिर ये रिएक्शन दी हुई है CO2+2 और उसका डेल्टा एच एंथैल्पी दिया गया है। तो बेस्ड ऑन अबव थर्मो केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट फॉर द गिवन रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच नॉट पूछा है, ठीक है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर CH4 बन रहा है, ठीक है, और इधर दोनों साइड अगर हम लोग देखें तो इसी ग्रेफाइट है जिसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो होता है और 2H2 उसका भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो होता है। इसका मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, डेल्टा एच हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 ये हम लोग को बेसिकली निकालना है। तो हम लोग ये जो ये वाली इक्वेशन दी गई है इसको यूज करेंगे। तो डेल्टा एच अगर हम लोग बोले तो इस पूरे रिएक्शन की जो डेल्टा एच दी गई है वो है 890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इस रिएक्शन की देखिए आप, देखिए तो ये क्या होता है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आप देखिए CH4 को हम लोग एक्स मान लेंगे इसको, किसका डेल्टा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया एक्स, और O2 का आपको पता है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी जीरो होती है तो उसको नहीं लिख रहे हम लोग, और यहाँ पर माइनस डेल्टा एच ऑफ CO2 और माइनस 2 times डेल्टा एच ऑफ H2O, ठीक है। ये और CO2 का आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले में -393, तो 890.3 इज इक्वल टू एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा 393.5 और माइनस 2 times H2O का आप देखिए दिया हुआ है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2 times 285.5, ठीक है। तो ये है 400 और 570 हो गया, तो ये हो गया 570 571 और ये कुछ 1000 है, आप इसमें माइनस करेंगे जाके 890 में तो आपका नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आंसर आप देख रहे हैं कि काफ़ी पास है 100 के, तो इसलिए सेकेंड यहाँ पे आंसर होगा। ज़्यादा हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी होती है पूरी, हमको अंदाजे से जो है देखना होता है कि 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, अगर 100 से कम है तो देखते हैं -74, अगर 100 से ज़्यादा होता तो -144 हम लोग आंसर लगा देते हैं।